तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अडानी विल्मर के स्टॉक के बारे में। अडानी विल्मर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर रिकवरी के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.23% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक का ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार 348 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 355 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 380, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 400, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी, एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 450, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 500 और 550 600 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यह सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 348 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 332 और 315 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।